हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई जानकारी, और यह जो जानकारी है आपकी मदद करेगा आपके खराब बालों को ठीक करने में। दोस्तों, यदि आपके बाल रूखे सूखे हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, तो आप उन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो खराब हो चुके बाल होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी प्रयास और बहुत सारे समय की ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने बालों को फिर से सुंदर, घना, चमकदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सौम्य शैम्पू और रिच कंडीशनर का प्रयोग करें। कंडीशनर में मौजूद मॉइस्चराइजर और प्रोटीन बालों पर परत जमा देते हैं, और इस तरह सूर्य की नुकसानदायक किरणों तथा सर्द हवा से उनकी रक्षा करते हैं। रूखे, नाजुक और क्षतिग्रस्त बालों के लिए कंडीशनर बेहद ज़रूरी है। बालों को हमेशा ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से धुलें तो इससे जो आपके बाल होते हैं वे उलझते नहीं हैं। आप अपने बालों को जोर जोर से ना रगड़ें, ऐसा करने से वे टूट जाएंगे। तौलिए की मदद से आप उन्हें हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। आप उलझे बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दत्ते वाले कंघे का इस्तेमाल करें। बालों को जड़ों की ओर से सुलझाना शुरू करने के बजाय आप इन्हें निचले हिस्से से सुलझाएं। जब बाल गीले हों तो उनमें से पानी टपक रहा हो तो कभी भी कंघी ना करें, बल्कि आप उन्हें थोड़ा सूखने दें। जब आपके बाल हल्के सूख जाएं तो आप इसके बाद आप अपने बालों पर कंघी करें। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी करें कि जब भी आप बाल धुलते हैं तो आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें। अगर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है तो आप बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर ही सेट करके रखें, और बालों से थोड़ी दूरी रखकर ही ड्रायर करना आपके लिए बेहतर होगा। वरना यदि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुखाते हैं तो ये आपके बालों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देंगी। आपके बालों में यदि नुकसान पहुंच गया है, यदि आपके बाल ख़राब हो गए हैं, तो उन्हें फिर से सही ट्रीटमेंट देने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।